गुड इवनिंग यू गुड इवनिंग सभी लोग जुड़ जाइए ये हमारा सेट नंबर सेवेंटी टू है बहत्तर है और आज हम यहाँ पर क्वेश्चन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग साथ में मिडवाइफरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए ठीक है आपकी कोई भी नर्सिंग परीक्षा हो सभी के लिए वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये क्वेश्चन और जिनका एग्जाम से डी एस एस बी ई एस आई सी नर्सिंग ऑफिसर या एम एन एस आर्मी स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर के लिए लगेगा बिहार ए उत्तर प्रदेश की यूपी त्रपल परीक्षा या सी के लिए स्टाफ नर्स या अन्य कोई परीक्षा आपकी लगी हुई है एम पी एच डब्ल्यू हरियाणा पंजाब कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश गुजरात की जो परीक्षाएं हैं सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे चलिए अच्छा क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है ये आपकी स्क्रीन पर पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पढ़ लीजिए और आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो बाल स्वास्थ्य को सबसे अधिक लाभ पहुंचाने में पहुंचाने वाले कार्यक्रम में सहायता करती है पढ़िए क्वेश्चन नंबर पहला और आंसर बताइएगा क्या माना जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर इस तरह के प्रश्न अच्छी तरीके से याद कर लेना पढ़ लेना ठीक है हाँ विच ऑफ बी फॉलोविंग इंटरनेशनल एजेंसी विच असिस्ट इन प्रोग्राम डेट बेनिफिट हाँ बेनिफिट चाइल्ड हेल्थ मस्ट प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है क्या है यूनिसेफ यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है अपडेटेड जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड होता है क्या होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड पहले होता था यूनाइटेड नेशन ठीक है इमरजेंसी फंड आता था ठीक है अब इसका आता है सिर्फ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड ठीक है ये आप इतना याद कर लेना ये फुल फॉर्म है यूनिसेफ का वर्तमान में अपडेटेड जो फुल फॉर्म है ये अपडेटेड फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड ये आपके काम आएगा आगे ठीक चलिए ध्यान दीजिए यूनिसेफ वर्कस इन ओवर वन नाइन्टी हाँ वन नाइन्टी कंट्री वन नाइन्टी कंट्रीज एंड टेरिटरीज टू सेव चिल्ड्रंस लाइफ टू डिफेंड देयर राइट्स एंड टू हेल्प देम फुलफिल दियर पोटेंशियल फ्राम अर्ली चाइल्डहुड थ्रू द एडोलस बताया जा रहा है कि जो यूनिसेफ है पूरी दुनिया में एक सौ नब्बे देशों में कहाँ पर कार्यरत है एक सौ नब्बे देशों में कार्यरत देश। है कौन यूनिसेफ एक सौ नब्बे से ज्यादा देश लगभग एक सौ छियानवे जो रजिस्टर्ड हैं यूएनओ में ठीक है एक सौ के आसपास देश बाकी दो सौ के ऊपर भी देश हैं ठीक तो एक सौ नब्बे के आसपास देश में ये काम करता है और जो यूनियन टेरिटरी होती हैं ठीक है बहुत सारे देश हैं जो संघ देश हैं उनमें भी ये काम करती है काम क्या होता है बच्चों के जीवन को बचाना बच्चों की लाइफ को बचाना ये काम होता है ठीक है और उनके अधिकारों की सुरक्षा करना ये काम होता है फुलफिल देयर पोटेंशियल और उनकी पोटेंशियल को फुलफिल करना और अर्ली चाइल्डहुड थ्रू द एडोलसेंट ये शुरुआत का जो बचपना होता है बचपन से लेकर एडोलसेंट तक ये उनकी सुरक्षा प्रोवाइड करती है समझ में आ रही बात हाँ ओके <coughs> नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर दूसरा भारत में औसत जन्म वजन है कितना है मीन बर्थ वेट इन इंडिया इज पढ़ लीजिए और आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए और आंसर बताइए घसीटा राम ने 115 क्वेश्चन किए थे इनमें से तेरह गलत हो गए 102 सही हैं ठीक है थीके? हाँ 102 सही हैं इनमें से चार थी बारह हाँ तीन चौको बारह चार कर जाएंगे फिर भी घसीटा राम का सिलेक्शन हो जाएगा समझे घसीटा राम तुम मींस की पढ़ाई के लिए रेडी रहो ठीक सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा ठीक हाँ पढ़ लीजिए और आंसर बताइए हाँ भारत में औसत जन्म वजन है पढ़िए मीन बर्थ वेट इन इंडिया इज भारत में औसत जन्म वजन है कितना होता है ठीक है हाँ देखिए प्रश्न का जो सही आंसर है दो दशमलव पांच से लेके दो दशमलव नौ किलोग्राम होगा ऑप्शन बी प्रश्न का सही आंसर है 2.5 टू तो, 2.9 केजी नाइन ये होता है भारत में इस वजन के बच्चे पैदा होते हैं इक्का दुक्का बच्चे साढ़े तीन किलो के चार किलो के आसपास के भी पैदा हो जाते हैं ठीक है संयोग बस लेकिन ज़्यादातर बच्चे ढाई किलो से ये तीन किलो के बीच में होते हैं टू तक होते हैं ऑप्शन बी प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है एक आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी आई योजना के तहत श्रमिकों के लिए है जो एक आंगनवाड़ी होती है आंगनवाड़ी यहाँ पर आई लिखा जाएगा आंगनवाड़ी जो सेंटर होते हैं ठीक है ये कितने वर्कर पर इस्टबलिश होते हैं तीसरा पढ़िए है। लालमती पढ़ लीजिए और आंसर बताइए रिंकी यादव सर मेरी सिस्टर की बेबी चार की जी की थी सही में अच्छा ये तो ज़्यादा हो गया वजन गिराज पढ़िए क्वेश्चन अपनी स्क्रीन हाँ पढ़िए यह क्वेश्चन एक आंगनवाड़ी जो आईसीडीएस योजना के तहत कितने वर्कर पर कार्यरत होती है तो वन थाउजेंड ठीक है वन थाउजेंड पॉपुलेशन पर ऑप्शन सी प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा बहुत जगह लिखा जाता है एक हजार फैमिलीज पर गलत है एक जगह एक हज़ार चिल्ड्रेंस पर गलत है एक हजार की जनसंख्या पर ऑप्शन सी प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा नेक्स्ट है बारह सप्ताह के भीतर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी है किसकी जिम्मेदारी है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विद इन ट्वेल्व वीक इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसकी जिम्मेदारी होती है जो बारह सप्ताह की गर्भवती महिलाएं होती हैं ठीक है थीके? इनमें किसकी जिम्मेदारी होती है पढ़िए क्वेश्चन नंबर चार और आंसर बताइए बारह सप्ताह के भीतर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण प्राथमिक जिम्मेदारी होती है आपको बताना है किसकी जिम्मेदारी होती है क्वेश्चन नंबर चार पढ़ लीजिए और आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर चार हाँ प्रश्न का जो सही आंसर माना जाएगा ये आशा की जिम्मेदारी होती है किसकी आशा की जिम्मेदारी होती है कि 12 सप्ताह के भीतर गर्भवती महिला का पंजीकरण करवाना ये जिम्मेदारी है प्राथमिक तौर पे ये आशा की जिम्मेदारी है किसकी होती है आशा की ठीक है हाँ आशा की जिम्मेदारी होती है संजू चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँच बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व सी एस एस एम कार्यक्रम को भारत में किस कार्यक्रम के द्वारा हाँ प्रतिस्थापित किया गया था पढ़िए क्वेश्चन नंबर फाइव और आंसर बताइए क्वेश्चन फाइव का आंसर क्या माना जाएगा चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड सी एस एस एम प्रोग्राम वाज रिप्लेस्ड बाय विच प्रोग्राम इन इंडिया क्वेश्चन पांच का आंसर क्या माना जाएगा क्वेश्चन नंबर पांच हाँ क्वेश्चन फाइव पढ़िए और आंसर बताइए क्वेश्चन फाइव का आंसर क्या माना जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव का वेरी गुड बहुत बढ़िया पढ़ते रहिए और अपने अपने आंसर बताते रहिएगा हाँ बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम को भारत में किस कार्यक्रम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था प्रश्न का जो सही आंसर माना जाएगा आर सी एच माना जाएगा क्या माना जाएगा आर सी एच ऑप्शन बीस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा भारत में हाँ ये जो सी एस एस एम कार्यक्रम को भारत में किस कार्यक्रम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था ये आर सी एच के द्वारा प्रस्थापित किया गया था ठीक है हाँ रिप्लेस किया गया था चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम वाज़ replaced by इसे रिप्लेस किया गया किस प्रोग्राम के तहत आरसीएच प्रोग्राम में ठीक है नेक्स्ट इंडिया लॉन्च द मेजर प्रोग्राम इन 1992 कॉल्ड द चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम भारत में इसे लॉन्च किया गया था 1992 में किसे लॉन्च किया गया था सीएसएसएम को लॉन्च किया गया था ठीक है विद असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक यूनिसेफ एंड अदर डोनर यहाँ पर जो इसमें सहायता की थी विश्व बैंक ने सहायता की थी वर्ल्ड बैंक ने यूनिसेफ ने इसमें सहायता की थी डोनर्स ने इसमें सहायता की थी बहुत सारे जो अदर्स डोनर्स हैं मतलब डोनर्स को मतलब अन्य लोगों ने भी इसमें दान दिया था ठीक है हाँ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छ स्टिल बर्थ रेट निम्नलिखित के बाद भ्रूण की मृत्यु शामिल है स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड फेटल डेथ आफ्टर क्वेश्चन नंबर छः पढ़ लीजिए और आंसर बताइए क्वेश्चन छः का आंसर क्या मानेंगे क्वेश्चन नंबर छः पढ़िए और आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर छ स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड फेटल आफ्टर स्टिल बर्थ रेट में निम्नलिखित के बाद भ्रूण की मृत्यु शामिल है क्वेश्चन नंबर छः का आंसर क्या माना जाएगा क्वेश्चन नंबर छः पढ़ते रहिए और अपने अपने आंसर बताते रहिएगा हाँ क्या माना जाएगा क्वेश्चन नंबर छः का आंसर हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया शिव कुमार राठौर पिंकी कुमारी गिराज बहुत बढ़िया गौरी देखिए स्टिल बर्थ रेट में निम्नलिखित के बाद भ्रूण की मृत्यु शामिल है इस प्रश्न का सही आंसर एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन सी माना जाएगा ठीक है यहां पर स्टिल बर्थ रेट के बारे में बात की जा रही है क्या कहते हैं रुचि इसे SBR कहा जाता है यह अट्ठाईस सप्ताह के बाद माना जाता है ठीक है अट्ठाईस सप्ताह के बाद कई जगह बीस सप्ताह चौबीस सप्ताह कंसिडर किया जाता है मान लेते हैं लेकिन जो इसका एग्जैक्ट आंसर होता है वो अट्ठाईस सप्ताह माना जाता है कितना अट्ठाइस वीक माना जाता है ये आंसर सही होता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ पर दिया भी गया बेबी हु डाइज आफ्टर ट्वेंटी एट वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी बट बिफोर ड्यूरिंग बर्थ अ क्लासीफाइड एज स्टिल बर्थ प्रेगनेंसी में ही बेबी की डेट हो जाती है प्रेग्नेंसी में बेबी की क्या होती है डेट हो जाती है अट्ठाईस सप्ताह के बाद क्या होती है डेट हो जाती है इसकी ठीक है हाँ ओके अट्ठाईस सप्ताह के बाद पढ़ लीजिए क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन एवेन पढ़िए मोना लालमती चंद्रकला हाँ पढ़िए हाँ मोना पढ़ते रहिए यह रहा यूनिसेफ की स्थापना सुधार के लिए की गई थी यूनिसेफ वाज इस्टैब्लिस्ड फॉर इंप्रूविंग यूनिसेफ की स्थापना किस लिए की गई थी पढ़िए संजू श्रुति पटेल हाँ पढ़िए रानी खान सर आज मैंने फर्स्ट क्लास ले रही हूँ आशा जी मोस्ट वेलकम है आपका जी इंडिया में हाँ यूनिसेफ वाज इस्टिश फॉर इंप्रूविंग यूनिसेफ की स्थापना किसके सुधार के लिए की गई थी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं बहुत पूछे जाते हैं ठीक है यूनिसेफ की स्थापना किसके सुधार के लिए की गई थी यूनिसेफ की जो स्थापना की गई थी हाँ यूनिसेफ की जो स्थापना की गई थी हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस को सुधारना था बच्चों के ठीक है ऑप्शन ए प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा ठीक है हाँ मोना बहुत बहुत स्वागत है मोना का यहाँ पर ध्यान दीजिए यूनिसेफ वाज एस्टेब्लिश फॉर इंप्रूविंग हेल्थ और न्यूट्रिशन स्वास्थ्य और पोषण के स्तर का सुधार बच्चों के लिए था ठीक है इसके लिए संजू कुमारी सर आप लाइव नहीं दिख रहे हैं रात्रि में हो सकता है तो लाइव आ जाएंगे फेस टू तो फेस ठीक है हो सकता है रतिया में लाइव आ जाएंगे रतिया में चलिए ध्यान दीजिए यूनिसेफ की स्थापना किसके सुधार के लिए की गई थी बच्चों में स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को देखने के लिए इनके सुधार के लिए की गई थी ऑप्शन ए प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा ठीक है यहाँ पर देखेंगे एवरी चाइल्ड डिजर्व द एक्सेस टू द क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्वालिटी प्री प्राइमरी एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ अ चाइल्ड जर्नी एवरी स्टेज ऑफ द एजुकेशन डेट फॉलोज रिलाइज ऑन इट सक्सेस यहाँ पर जो बच्चे हैं छोटे छोटे ठीक है इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी और क्वालिटी ऑफ राइट्स या इनके जो अधिकार हैं जितने भी ठीक है इनके अधिकारों को संरक्षित करना सुधारना ठीक है हाँ प्राइमरी जो एजुकेशन है फाउंडेशन या, या जो बेसिक एजुकेशन होती है ठीक है ये सारे राइट्स प्रोवाइड करती है कौन यूनिसेफ करती है ठीक है हाँ नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर आठ यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है हाँ रानी खान सब पुराने हैं बस मैं नहीं हूँ अच्छा तुम नई हो केवल सिर्फ है अच्छा अच्छा पढ़िए भाई जितने लोग नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है जितने लोग पुराने वो चुनाव के लिए तैयार रहे ठीक है तुम्ही ही लोगों में से चुनाव करवाएंगे वोटिंग के लिए व्यवस्था करते जल्दी से जल्दी है नए साल में चुनाव होते छात्र संघ के ठीक यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ है पढ़िए और आंसर बताइए शिखा गिराज मुस्कान खान वेरी गुड आरती पढ़ लीजिए अंजलि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ यूनिसेफ का यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है ऑप्शन सी सही आंसर माना जाएगा कहाँ है हाँ न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन पढ़िए एजेंसी जो भारत के राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम का समर्थन कर रही है वो एजेंसी कौन सी है एजेंसी विच हैजिन सपोर्टिंग द नेशनल टिपरकोस कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया इज हाँ क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर क्या माना जाएगा सिंह चिंक, सर मैं अच्छा मंत्र प्राणी हो अच्छा अच्छा ओके जी पूजा तैनवार जरूर आपका एग्जाम अच्छा होगा मेरा आशीर्वाद है आप सभी के साथ आई ब्लेस यू ओके पढ़िए एजेंसी जो भारत के राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम का समर्थन कर रही है वह एजेंसी कौन सी है एजेंसी जो भारत के राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम का समर्थन कर रही है पढ़िए क्वेश्चन नंबर नाइन पढ़ लीजिए और आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर नाइन एजेंसी विच हैज बिन सपोर्टिंग नेशनल ट्यूबर कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया वो सीडा है कौन सी सीडा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन बी सीडा ठीक है ये ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करने के लिए हाँ ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करने के लिए सहायता कर रही है जो सीडा वर्ड दिया गया इसका मीनिंग होता है स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन इंडिया इस कोऑपरेशन एजेंसी ठीक है हाँ एस मतलब स्वीडिस आई मतलब इंटरनेशनल डी मतलब डेवलपमेंट ए मतलब हाँ यहाँ पर एजेंसी होगा ठीक है डेवलपमेंट कोऑपरेशन एक साथ आएगा डी में ठीक तो ये काम कर रहे हैं सीडा और एक निश्चय अभियान चलाया जा रहा है टीबी के लिए लिखा है निश्चय मित्र इनिशिएटिव अभियान है ठीक है प्रधानमंत्री टीबी मुक्ति भारत 2025 तक भारत से टीबी को ख़त्म कर दे रहा है पूरे भारत से 2025 तक टीबी को खत्म कर देना है ट्यूबर क्लॉसिस को खत्म कर देना है ठीक है और ट्यूबर की वजह से बहुत सारी मृत्यु हो जाती है भारत में ठीक है तो इसलिए जो निश्चय अभियान चलाया जा रहा है निश्चय मित्र जो अभियान चल रहा है ना निश्चय अभियान ये टीबी के लिए चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है ठीक है चलिए अच्छा संजू कुमारी आपकी वॉइस बहुत स्वीट है गुरुजी अच्छा जी, जी थैंक यू सो मच संजू संजू तो पहली बार आई मुझे लगता है क्लास में ना चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर दस पढ़िए एक समुदाय में जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट की जाती है आपको बताना है किसके द्वारा की जाती है डेट एंड बर्थ इंटू कम्युनिटी रिपोर्टेड बाय क्वेश्चन नंबर दस पढ़ लीजिए और आंसर बताइए अशोक कुमार ग्रुप में वीडियो डाले तो जा रहे हैं नहीं मिल है क्या नहीं डाले जा रहे हैं ऐसी बात तो नहीं है दीप्ति रंजन अच्छे कुमार वेरी गुड बहुत बढ़िया एक समुदाय में जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट हाँ की जाती है कौन रिपोर्ट को रखता है लिखता है ठीक है ये ए का काम होता है कितने लोग की डेथ हो गई है कितने बच्चे पैदा हुए हैं ये सब काम किसका है ए का काम है ठीक है हाँ ए का ऑप्शन सी प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा सी प्रश्न का सही आंसर मानेंगे ए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है हाँ चलिए अच्छा ध्यान दीजिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ग्यारह एक एन एम की नौकरी की ज़िम्मेदारी सभी को छोड़कर है मतलब ए एन एम जो होती है उसकी जॉब रिस्पांसिबिलिटी सभी होती है एक जॉब रिस्पांसिबिलिटी नहीं है ए एन एम की वो कौन सी नहीं है एन एम की एक जॉब रिस्पांसिबिलिटी नहीं है बाकी सभी ए एन एम की जॉब रिस्पांसिबिलिटी हैं पढ़ लीजिए और आंसर बताइए ए एन एम की सभी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं एक नहीं है आपको ये बताना है कौन सी नहीं है पढ़ लीजिए अनुपम मिश्रा uh, कीर्ति निशा अंजलि वेरी गुड हाँ पढ़ते रहिए और अपने अपने आंसर बताते रहिए घसीटा राम देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी परीक्षाएं दी हैं ठीक है और जैसा भी रिजल्ट आया अच्छी बात है ठीक है लेकिन आपको अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी चाहिए हमारी सलाह है अगर आप इस रण क्षेत्र में कूदे हैं ठीक है परीक्षा वाले रण क्षेत्र में अगर आप कूदे हैं तो आपको दो चार पाँच छः महीने लगभग बारह महीने अपने जीवन के लिए त्याग देने चाहिए समझे बारह महीने अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लो मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता अगर आप परीक्षा देंगे कोई तुम्हें फेल नहीं कर सकता ठीक है हंड्रेड परसेंट आप पास हो जाओगे इसलिए अगर आप पढ़ाई बंद करोगे और कहोगे कि नहीं हमारी कोई अगली परीक्षा होगी जब कोई फॉर्म आएगा तब हम पेपर देंगे समझे फिर हम तैयारी करेंगे समझे कोई फार्म आएगा एक महीने बाद आएगा दो महीने बाद आएगा तब आप तैयारी के लिए सोचेंगे तब आप तैयारी करेंगे तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा हो सकता है आप माइनस में चले जाएं और ठीक है इसलिए आपका अभी लेवल बहुत अच्छा है अभी देखा जाए आपका लेवल बहुत अच्छा है क्योंकि अभी आपने दो दिन पहले एक हाल ही में परीक्षा दी है दो दिन पहले अभी आपने एक हाल ही में परीक्षा दी है उसमें आपने लगभग लगभग चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली है ठीक है बस आपको केवल जुड़े रहना है पढ़ाई से सिर्फ सिर्फ अभी आपको पढ़ाई से जुड़े रहना है आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लेडी ऑलरेडी आप इतना पढ़ के आ रहे हैं ठीक है तो आपको सिर्फ जुड़े रहना है अगर आप मान के चलो पढ़ाई बंद कर देते हैं फिर कोई वैकेंसी आती है दस दिन बाद एक महीने बाद दो महीने बाद तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी समझे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा अभी आप कम से कम सत्तर अस्सी परसेंट के तौर पे होंगे ठीक है तो आपको मेन मेन चीजें बस पढ़ लेनी है बस समझे तो अभी आप चीज़ें रिफाइंड पढ़ेंगे फिर आपको कबाड़ पढ़ना पड़ेगा अगर पढ़ाई बंद कर देंगे समझ में आ रही बात चलिए यहाँ पर जो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कंडक्टिंग एम टी पी इंडिपेंडेंटली यहाँ पर इसका मतलब है जो इंडिपेंडेंटली दिया गया है यहाँ पर क्या स्वतंत्र तरीके से वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकती है मतलब एम टी पी गर्भपात करवा सकती है क्या कोई एक ए एन एम गर्भपात नहीं करवा सकती समझ मारी बात ए एन एम गर्भपात नहीं करवा सकती बाकी सभी काम करवाती है ठीक है बी ऑप्शन यहाँ पर हो गया था होम विजिट करवाती है ए डिस्ट्रीब्यूट आयरन एंड फॉलिक एसिड आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करती है और ट्रेनिंग दाई को देती है लेकिन एम नहीं करवा पाती वो समझे एम नहीं करवाती आई एम एन सी आई लक्ष्य समूह है आई एम एन सी आई टारगेट ग्रुप इज आई एम एन सी आई का टारगेट ग्रुप क्या होता है पढ़ लीजिए और आंसर बताइए आरती यादव चैनल्स में क्लासेज चल रही खूब पढ़ो पुरानी क्लासेज आपके पास खूब सारी हैं डिलीट नहीं की जाएंगी किसी की भी क्लासेज आप पढ़िए रिविज़न कीजिए अच्छी तरीके से ठीक है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं एक दोपहर में एक रात्रि में क्लासेज हमारी चल रही हैं ऑलरेडी फ्री खूब पढ़िए अच्छे तरीके से ठीक है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ठीक है सर डीएसएसबी के बारे में वीडियो बनाइए ठीक है रात्रि में दे सकते हैं ठीक है अनुपम मिश्रा के हालचाल क्या हैं कंचन कैसे सर, सर हमारी आग एज अड़तीस साल हो रही है अभी कोई फॉर्म लेटेस्ट आया है जो हम डाल सकते हैं अड़तीस साल के लिए कोई फॉर्म आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे ठीक है मैसेज देंगे चैनल्स में ठीक हम सर एक सौ सात क्वेश्चन करें सोलह रॉन्ग हो गया है एक सौ सात करें सोलह रॉन्ग हो गया है तुम्हारा हैं अच्छा जी तो मतलब तुम्हारा ये नब्बे बचा एक सौ मतलब इक्यानबे बचा है तुम्हारा क्वेश्चन इक्यानवे में पांति पंद्रह मतलब पंद्रह पांच क्वेश्चन तुम्हारे कट जाएंगे पचासी तुम मिन्स परीक्षा की तैयारी करो अनुपम मिश्रा ठीक है तुम्हारा हो जाएगा तुम मिन्स परीक्षा की तैयारी करो तुम्हारा हो जाएगा पचासी में हो जाएगा ठीक है मिन्स परीक्षा की तैयारी करो अनुपम मिश्रा ठीक है हाँ मिन्स परीक्षा की तैयारी करें अनूपम मिश्रा आपका हो जाएगा मिन्स ठीक है हाँ देखिए मंदिर तुम बहुत सो रहे हो है ना टारगेट ग्रुप जो होता है आई एम मैंने ये परीक्षा से एक दिन पहले ही बताया था आपको ठीक है हाँ मैंने आपको परीक्षा से, से पहले ही यह चीजें बताई थी ये चीजें परीक्षा से पहले ही बताई थी आपको हाँ परीक्षा से पहले ही मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी पढ़ाया था इसमें पाँच साल तक के बच्चे लिए जाते हैं ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है इसका मैंने कहा था फुल फॉर्म पूछा जाता है परीक्षा में जैसा मैंने रात में बताया था वैसे ही वो परीक्षा में सुबह लिखा हुआ मिला था समझे मैंने यूपी की परीक्षा में बताया था कि आई एम एन सी आई का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है दोपहर में एक क्लास ले रहे थे हमने कहा था इसमें जो बीमारियां हैं वो याद कर लेना और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है आई एम एन सी आई का मैंने नाइटी में बताया था रतिया में बताया था और दिन में यह मिल गया था समझे दिन में यह मिल गया था इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस यही मिल गया था समझे और एग्जाम्स में आया था समझ में आ रही बात ये आई एम एन सी आई का फुल फॉर्म आया था नेक्स्ट है पाँच डिसज इंक्लूड की जाती हैं आई एम एन सी आई के तहत पाँच डिसज है, आती हैं पाँच बीमारियाँ आती हैं कौन कौन सी आती हैं ये उनमें से जो पांच बीमारियां होती हैं निमोनिया एक बीमारी दूसरी डायरिया तीसरी मलेरिया चौथी मीटिलस और पांचवी मल ये पांच बीमारियां आती हैं समझे पांच बीमारियां आईएमएनसीआई प्रोग्राम के अंतर्गत आती हैं और ये सब बच्चों वाली बीमारियां हैं कौन सी हैं सोनी बच्चों वाली बीमारियां ठीक है जो बच्चों को होती हैं ये लिखा है मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफिस डेट आर डी टू द फाइव डिस सत्तर से सत्तर जो मृत्यु हो जाती हैं सत्तर मृत्यु के लिए जो बच्चों में सत्तर मृत्यु हो जाती हैं उसमें ये पांच बीमारियों का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कौन कौन सा निमोनिया हो गया एक फिर डायरिया मलेरिया मिजल्स और मल इसकी वजह से सत्तर परसेंट डेथ हो जाती है बच्चों में सत्तर परसेंट बच्चे जो डेथ होती है इनकी वजह से होती है जो बीमारियां यहाँ पर दी गई हैं किरण मैंने आपके देख लिया अस्सी आपके अगर माइनस करने के बाद अस्सी अस्सी क्वेश्चन सही है तो मीन्स परीक्षा की तैयारी करो ओबीसी कैंडिडेट हो ठीक है आपका हो जाएगा चलिए अच्छा ये थे आज के क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए गए समझाए गए अब रात्रि में क्लास चलेगी आप सभी लोग आइएगा बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट रहते हैं फाइन लगाई जाएगी ठीक है हाँ फाइन लगाई जाएगी आपके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट अप्सेंट रहते हैं क्लास में जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लास लेना चाहते हैं जीएसट इंडिया में पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वो स्टूडेंट इस नंबर पर संपर्क करेंगे अपना नाम जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे जो भी स्टूडेंट स्टाफ नर्स डीएसएसबी एस एस की क्लासें लेना चाहते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए पढ़ना चाहते हैं मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर के लिए या उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर सी की तैयारी करना चाहते हैं ए की तैयारी करना चाहते हैं इसी नंबर पर संपर्क करेंगे अपना नाम जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे ठीक है हाँ तो हम रात में क्लास लेंगे रात में आइएगा एक बड़ी क्लास से चलेंगे ठीक है ओके हाँ रात में आइएगा आप सभी लोग ठीक है क्लास से चलेंगी रात में आप डेली क्लास से चलेंगी अभी दो दिन छुट्टी मारी गई है आप डेली क्लास से चलेंगी ठीक है बिन मोहम्मद बिन हरिज आप हमारा क्वेश्चन पेपर है यूट्यूब में जाइएगा मैंने पेपर डाल रखा है आप वहाँ से मैच कर लीजिए ठीक है हाँ मोना रतिया में मिलते हैं ठीक है रात में क्लास चलेगी सर बी की तैयारी भी करवाते हैं क्या जी हाँ दीप सिका बिहार उत्तराखंड जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र केला तेलंगाना झारखंड सी एच ओ स्टाफ नर्स कहीं से भी हैं आप हम सभी की तैयारी कराते हैं ठीक है कितने बजे क्लास चलेगी साढ़े नौ बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है ठीक है साढ़े नौ बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है मंदिर अशोक सुरेंदर ठीक है रात में क्लास चलेगी हमारे जीएस इंडिया चैनल पर चलेगी ठीक है जीएस इंडिया चैनल पर हमारी क्लास चलेगी ये हमारा चैनल जीएस इंडिया नर्सिंग है जीएस इंडिया चैनल पर चलेगी संतोष सर ने धोखा दिया है बिना टाइम के क्लास संतोष सर कौन है तुम्हारे ये संतोष सर कौन है सोनू सिंह सर एस जी पी जी आई रायबरेली का रिजल्ट कब तक आएगा एस जी पी जी आई रायबरेली का रिजल्ट एस जी पी जी आई जो रायबरेली में एस जी पी जी आई है इसकी वैकेंसी का इसकी वैकेंसी अभी अलग से तो हुई नहीं ना इसकी वैकेंसी संविदा एग्जाम्स के बारे में आई डोंट नो परमानेंट वैकेंसी के बारे में सभी की जानकारी रहती है ठीक है कोई अगर वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में करवा रहे हैं उसके बारे में मुझे नहीं पता लेकिन वो वैकेंसी अभी दे दी गई है ठीक है एक रिजल्ट अभी वेटिंग का जारी किया गया है एस जी पी जी आई लखनऊ से ठीक है लालमती चंद्र धनक प्रियंका मिश्रा रात में क्लास चलेगी प्रियंका मिश्रा जी ठीक है रात में क्लास आइएगा खाना पीना बना लेना आराम से टाइम से खा पी के आइएगा ठीक है बिस्तर में बैठ के क्लास लेना बढ़िया अच्छी तरीके से रानी खान सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं थैंक यू ओके जी ओके चलिए अच्छा रात में मिलते हैं रात में कस चलेगी ठीक है सभी लोग आइएगा ठंडी का मौसम चल रहा है ठीक है समय से अपना खाना पीना खा के वॉकिंग करके थोड़ा सा बैठ जाइएगा क्लास में रात में क्लास लेंगे ओके बाय टेक केयर्स बाय जय हिंद सी यू ओके सी यू